हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल. यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले लेक्चर 2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का. आई होप लेक्चर 1 में सबको मजा आया था. यस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं. जो बेसिक हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल किया था, है ना, प्लेस फिलिंग, जो स्पेस फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट किया था, सबको क्लियर हो गया है. यहाँ पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था तो उसने लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए. वहाँ पर हमने सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किए थे और आज हम गाड़ी आगे बढ़ाने वाले हैं और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और ज़्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं. ठीक है, सो आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर ऑन अकेडमी जेई चैनल. आई हैव डन माई बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आप बच्चों बाकी सारे टीचर्स से भी पढ़ रहे हो. हम सब टीचर्स आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं. ठीक है, अनअकैडमी जेई चैनल इज़ वन ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पर हमें पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है और आप सबकी हेल्प करके भी हमें काफी अच्छा लग रहा है. ठीक है बच्चों, तो यहां पर अदर देन दैट वी आर आल्सो प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पर रेगुलर लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलते हैं. ठीक है, तो ये क्योंकि एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपको एडिशनल फैसिलिटीज भी मिलती है. ठीक है, जहां पर आपको डेली डीपीपीज मिलेंगी, जो वीकली और मंथली क्विज होंगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और ऑब्वियसली डाउट डिस्कशन सेशंस काफी हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, तो आपने अगर अभी तक भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर. यहां पर बहुत ही आसान है, जिस तरीके से आप मोबाइल पर वीडियोज देखते हो नॉर्मल, ठीक है, जहां जैसे आप नेटफ्लिक्स करते हो, ठीक है, या फिर जैसे आप हॉटस्टार पर अभी मेरे ख्याल से मैच देख रहे हो गए. ठीक है, मैच रिज्यूम हो गया क्या? आई डोंट थिंक सो. ठीक है, तो अगर मैच रिज्यूम हो गया है तब भी अगर आप यहाँ पे इतने सारे बच्चे हो पढ़ने के लिए, देन इट इज़ वेरी नाइस. ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, है ना. बिल्कुल जिस तरह से आप यहाँ पर मोबाइल पे मैच देख सकते हो बच्चों हॉटस्टार पे, उसी तरह से आप हमसे पढ़ भी सकते हो. ठीक है, तो व्हाई नॉट यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर समथिंग गुड, है ना. तो यहाँ पर आईआईटी जेई वाले सेक्शन में जाके आप प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे ही कोर्सेज का, सारे ही टीचर्स के लेक्चर्स का जो बेसिकली अवेलेबिलिटी है वो ऑन हो जाएगा और आप सारे लेक्चर्स अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, 11th के बच्चों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर चाह रहे हो कि 2 साल का लंबा आप प्रोग्राम लेना चाहते हो, देन आपको फर्दर फाइनेंशियली बेनिफिट होगा. 1 साल का जिन्होंने लिया हुआ है, दैट इज़ वेल एंड गुड. जिनको 2 साल का लेने का प्लान है वो भी ले सकते हैं, एडिशनल हमने ऐड करवा दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वी वुड लाइक टू ज्वाइन फॉर एंटायर 2 ईयर्स, क्योंकि ऐसा ही कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ऑफर करते हैं. ठीक है, तो दैट फैसिलिटी इज़ एडेड. If you want to study with us for entire 2 years, you can definitely do that by taking 24 months subscription. ठीक है, और यहाँ पर JEE Live code obviously आपकी help के लिए है. अगर आप JEE Live code use करते हो, then you get additional 10% discount, which can help you further reduce down the price, जो यहाँ पर Unacademy ने already काफ़ी कम रखी है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी टीम है उसके कोड के थ्रू आप फर्दर प्राइस कम कर सकते हो. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्राइस दैट यू आर सीइंग हियर इज फॉर एंटायर 1 ईयर. इन दिस 1 ईयर यू विल गेट एंटायर क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. वो भी एक टीचर का ग्रुप नहीं है, मल्टीपल टीचर्स का ग्रुप है. आप किसी से भी जाकर किसी भी समय पढ़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो. तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. जिन्होंने ज्वाइन किया उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है. यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म. अगर आपको इनिशियली थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसको एक बार टेस्ट करना चाहिए, देन यू कैन अटेंड स्पेशल क्लासेस दैट आर बिफोर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के पहले भी आप कुछ क्लासेस अटेंड करके देख सकते हो, एंड दैट कैन बी डन अराउंड 2:30 और समवॉट. ठीक है, मैं भी वहाँ पर स्पेशल क्लासेस लेते रहता हूँ. ठीक है, ऑल राइट, अदर देन दैट हमारी टीम भी वहाँ पर काफ़ी क्लासेस लेती है. यू कैन डेफिनेटली कीप एक्सप्लोरिंग कि वहाँ पर आप कैसे कैसे उस प्लेटफॉर्म पर हम टीचर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपने लिए बेनिफिट यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ऑल राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन. आज का डिस्कशन जो स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टली परम्यूटेशन से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स कवर कर लिए थे. मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को वो बातें समझ में आ गई है, क्योंकि आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा लगा मुझे बच्चों को. ठीक है, ऑल राइट, तो आपके जो कमेंट्स है, आपके जो लाइक्स है, वो देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि बातें आपको समझ में आ रही है. बस ये जो हमने मोमेंटम डेवलप किया है उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे यहाँ पे चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो परम्यूटेशन मतलब हमने क्या समझ लिया था, अरेंजमेंट है. हमने और क्या कर लिया था, हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. फॉर्मुला याद हो गया सबको, कितना फॉर्मुला आया था जल्दी बताओ, यहां पर कितना फॉर्मुला आया था. अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे यहां से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, तो हमने एक नया ऑपरेटर सीखा है पी,
वो क्या करता है, आपको डायरेक्टली आंसर निकाल के देता है. एनपीआर जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला कितना याद किया है हमने, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि यहां पर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होना जरूरी है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होना जरूरी तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, एनपीआर बिल्कुल सही. चलो तो यहां पर आगे देखते हैं कि अब और क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए. कुछ बेसिक से एग्जांपल बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, जैसे यहां पर आंसर आया था इसका 5P3 और आगे वाले में आंसर आया था 6P4. याद है सबको, ये दोनों क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या स्टार्ट करना था हमें, हमें ये नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना था जिसके अंदर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स. जितने ऑब्जेक्ट्स हैं हम सबके सब ऑब्जेक्ट्स को एक साथ अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिलेक्ट विलेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इसके पहले क्या किया था, एन में से कुछ एक सिलेक्टेड आर ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे थे. इस बार हम एन के एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देंगे. ठीक है, तो इस बार क्या होगा, आर की वैल्यू एन यूज कर लेंगे. लग रहा है कि नहीं ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा. आपको जो लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है. ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, आपके पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स एन है और इसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है, एन ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है. ठीक है, तो एनपीएन होना चाहिए इसका आंसर. बिल्कुल, एनपीएन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा. एनपीएन के फॉर्मूले में अगर मैं डालता हूं वैल्यू तो आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन का फैक्टोरियल. नाउ दिस गिव्स अस जीरो फैक्टोरियल इन डिनोमिनेटर विच इज वन. लास्ट क्लास याद आ रही है, जीरो फैक्टोरियल के वैल्यू हमने कितना याद किया है, वन याद किया है. ठीक है, तो यहां पे आपके पास कितना आंसर आ रहा है, n फैक्टोरियल. नाउ दिस इज समथिंग दैट वी शुड रिमेंबर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट. बहुत बार ये आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी. आपके पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबको आप अरेंज करना चाह रहे हो, कुछ नहीं करना है, उसका फैक्टोरियल ले लो. क्या करना है, उसका फैक्टोरियल ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था हमने, 1 2 3, बिफोर स्टडिंग एनीथिंग हमने क्या बोला था, 1 2 3 तीन डिजिट्स हैं, इन तीनों को अरेंज करके आपके पास कितने नंबर्स जनरेट हो सकते हैं आगे पीछे करके. तो उसके अंदर क्या था, तीन डिजिट्स थे, उन तीन डिजिट्स को आगे पीछे करना था. तो क्या इसका आंसर डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल से आना चाहिए था क्या, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था उसका आंसर 3 फैक्टोरियल से आया क्या, क्योंकि याद आ रहा होगा आपको आंसर कितने बनाए थे हमने 1 2 3 का यूज करके, टोटल 6 नंबर्स बनाए थे. और अगर आप यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हो तो इससे भी तो 6 निकल के आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है. ऐसा हम जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकाल के अब से बता पाएंगे. ठीक है, आई बात समझ में, तो इसको यूज करके देखते हैं कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस में, ताकि आप यहाँ पर ये समझ जाओ कि n फैक्टोरियल का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है. ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक वर्ड है डेली. ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली. सारे के सारे वर्ड्स आपके पास बनने चाहिए. ठीक है, और लेटर्स आपको सारे के सारे यूज करना है. यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर वर्ड जो है वो मीनिंगलेस भी हो तो भी चलेगा. आपको केवल क्या करना है, अरेंजमेंट करके बताना है कितने बनेंगे. जल्दी बताओ कितना बनेगा इस पर्टिकुलर केस में, डी ई एल एच आई कितने हैं आपके पास, टोटल 5. यस, 5 है और 5 को आगे पीछे करना है. कैसे होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल वेज में होना चाहिए. और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू याद हो गया सबको. यस, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा. 120 इज अवर आंसर. यस, यश अरिमा बहुत बढ़िया बच्चों, आयुष 5 फैक्टोरियल, यस दैट इज करेक्ट. यस श्रीशा, यहाँ पर विनय, लेकिन आपने 720 बताया बेटा, आपने शायद वैल्यू थोड़ी सी गलत बता दी है. यहाँ पर 6 फैक्टोरियल नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल होगा. एक बार काउंट कर लो डेली में कितने लेटर्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 है. ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल आपका आंसर है. क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया. आप सारे बच्चे यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, वेरी हैप्पी टू सी कि यहाँ पर आपको आंसर निकालते आ रहे बच्चों. ठीक है, बस ऐसे ही चलते जाएंगे आगे, आपको सारे क्वेश्चंस करते आ जाएंगे. तो यहाँ पर इसका मतलब फंडे सारे क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कुछ तो नया मिलेगा आपको हर क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ नया मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में ट्राई करो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स 0 2 5 3 7. यहां पर जितने अवेलेबल डिजिट्स है सबके सब डिस्टिंक्ट है कि नहीं, सबके सब डिस्टिंक्ट है. ठीक है, लेकिन कितने हैं, 5 ही है और मुझे 5 डिजिट नंबर ही भी बनाना है. ठीक है, मतलब मुझे सबका यूज करना पड़ेगा, सबका यूज करना है, मतलब डायरेक्टली एन फैक्टोरियल करना चाहिए. कितना आंसर आना चाहिए इसका, इसका आंसर कितना आना चाहिए. अच्छा, यहां पर मुझे एक आंसर दिख रहा है अरिमा. ऑलराइट, अरिमा इज सेइंग कि इसका आंसर 96 आना चाहिए. यस, बाकी बच्चे 120 बता रहे हैं. देखो बच्चे यहां पे और कोई आंसर बता रहा है क्या, यहां पे 120 लास्ट का तो आंसर सही था. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना आंसर आना चाहिए, ट्राई करो ट्राई करो. एक बच्चा बता पा रहा है इसका आंसर, बाकी बच्चे आराम से सोचो. ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, अगर मैं 5 डिजिट नंबर्स बनाना चाह रहा हूं और मेरे पास 5 ही डिजिट्स हैं तो ऑब्वियसली इन्हीं को आगे पीछे करके अलग अलग केसेस बनाऊंगा मैं, तो 5 फैक्टोरियल तो होना चाहिए. लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जीरो की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा ना, जीरो की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा. यस स्वयं, बहुत बढ़िया है ना, और भी बच्चे यहां पे बता पा रहे हैं सही आंसर अभी, गुड. तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होगा कि आपके पास अगर जीरो स्टार्टिंग में चिपक गया
तो वो तो 4-digit नंबर बन जाएगा ना. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक गलत वाला केस बना के दिखाता हूँ. स्टार्टिंग में मैंने 0 को चिपका दिया, उसके बाद मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, 2537 02537 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर्स के अरेंजमेंट आ गए. मुझे 5 digits हैं, 5 digits को आगे पीछे करने के कितने तरीके, आगे पीछे करने के 5 factorial ways मतलब 120 ways, लेकिन इसके अंदर ये अलग केसेस भी आ गए. अब ऐसे गलत केसेस कितने हैं मेरे पास, 4 factorial. यस आयुष, यहाँ पे 4 factorial केसेस गलत हैं. मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले वाले प्लेस पे 0 को चिपका दिया, 0 हिल नहीं सकता. अब बाकी सबको हिला के देखते हैं. अब यहां पर ये सब आगे पीछे अगर होंगे तो आपके पास कितना बनेगा, ये 4 factorial बनेगा ना. 4 digits को अरेंज करना है 4 places में, 4 digits को अरेंज करना है 4 places में, 4 factorial ways में होंगे. ये कौन से वाले केसेस गलत है, तो गलत वाले केसेस इसके अंदर से हटा देंगे. 4 factorial इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना. तो आपके पास कितना आएगा, 120 - 24 कितना हो जाएगा, ये 96 होगा. यस, यहाँ पर अरिमा ने बहुत जल्दी आंसर बता दिया था, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट. यस, अभी सारे बच्चे 96 आंसर बता पा रहे हैं. कंसेप्ट समझ में आया, यहाँ पर जो गड़बड़ है उन केसेस को हम आगे चल के हटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑल राइट, और चलते हैं आगे और समझते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास. अब ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है क्वेश्चन का, ये बहुत बार रिपीट होगा, आपको बहुत सारे बुक्स में मिलेगा, आपको बहुत सारे जो मॉक टेस्ट आप देखोगे उसके अंदर मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पर क्या करना होता है आपको, वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल. अब मैंने यहाँ पे टेबल सिलेक्ट किया है, आपको कहीं चेयर मिल जाएगा, कहीं पे कुछ और मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड चेंज होते रहता है लेकिन जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो चेंज नहीं होता. ठीक है, आपको कोई भी एक वर्ड देते हैं और बोलते हैं कि आपने इनसे बनने वाले सारे वर्ड्स क्रिएट कर लिए, इन लेटर्स का यूज करके सारे वर्ड्स आपने क्रिएट कर लिए हैं, उनको फिर आपने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया है. ठीक है, अब कोई एक वर्ड पकड़ लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने टेबल ही पकड़ लिया. ठीक है, तो टेबल का कौन से पोजीशन पे नंबर आएगा ऐसा आपको बताना है. ठीक है, जिन बच्चों को आता है ये सुधा है, 0 factorial = 1 होना चाहिए, इसका प्रूफ हम आज डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर जिन बच्चों को आता है ये क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से ट्राई करो, मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए. जिनको नहीं आता है, जो पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो कैसे इस चीज़ को अटेम्प्ट करना होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है एक एक करके चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं. जिनको आता है रुकना नहीं है, स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना. वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल. यहाँ पर क्या है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 है, पांचों के पांचों अलग है, यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं है. ठीक है, सारे लेटर्स मेरे पास अलग अलग हैं. अगर मैं इससे सारे बनाऊंगा तो कितने सारे बन जाएंगे, टोटल 5 है ना, मतलब टोटल मेरे पास 5 फैक्टोरियल यहाँ पे वर्ड्स बनने वाले हैं. ठीक है, लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर सारे बना लेंगे तो टेबल का लोकेशन कौन सा होगा, टेबल किस पोजिशन पर आएगा, ऐसा ये पूछ रहा है. ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करने की सोचता हूँ तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स खत्म होंगे कि नहीं होंगे, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स खत्म होंगे, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स खत्म होंगे, सब जब खत्म हो जाएंगे तब जाके टी का नंबर आएगा, तब जाके टेबल का नंबर आएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको काउंटिंग कैसे स्टार्ट करना है, आपको एक एक करके चीजें चिपकाते जानी है. ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे मैंने सबसे पहले ए को चिपका दिया. अगर आपको इस चीज को अल्फाबेटिकली लिखना है तो अल्फाबेटिकली लिख के रख लो. ठीक है, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ई आएगा, एल आएगा और फिर टी आएगा. ठीक है, सही है ये, ऑल राइट. तो सबसे पहले किसका नंबर आया, ए का नंबर आया, तो ए को चिपका दो सबसे पहले. ठीक है, कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5 थे ना, तो 1, 2, 3, 4 बचे. अब बाकी सबको 4 factorial ways में अरेंज कर सकते हो, 4 factorial ways में आगे वाले सारे अगर अरेंज हो जाते हैं तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं ये आपको पता चल जाएगा. कितना पता चल गया हमें, 24 words से टोटल, 4 factorial कितना होता है, 24 words. यस, आई कैन सी वेरी गुड आंसर्स हियर. यस, 98 आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, लेट अस सी वो सही आंसर है क्या. यहां पर ए का स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने होंगे आपके पास, 4 factorial आएंगे. दूसरा मैं बोलता हूं बी से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स होंगे वो भी टेबल वाले वर्ड के ऊपर आएंगे पक्के से, बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड सारे टेबल के ऊपर आएंगे अगर अल्फाबेटिकली मैं अरेंज कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है. आपको डाउट है क्या, डिक्शनरी देखिए, ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आते हैं, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले, इस ऑर्डर में आते हैं ना. तो यहां पर हमने सारे को अरेंज किया है तो बी से स्टार्ट होने वाले को नंबर आएगा इसके बाद में, और वो भी कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 4 factorial ways में बचे हुए चारों प्लेसेस पे आप नंबर जो लेटर्स है वो डालना स्टार्ट कर सकते हो. आ रही बातें समझ में, क्लियर हो रहा है सबको. उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद बी आ गया है, ई का नंबर आएगा. ठीक है, ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स अब यहां पे फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे. ई से कितने बनेंगे, ऑब्वियसली 4 places अभी फिल करना है, 4 available मेरे पास लेटर्स हैं. ठीक है, 4 को 4 places में अरेंज करना है. अभी अभी हमने किया ना, एन फैक्टोरियल आंसर आएगा इसका, एन पी एन, एन फैक्टोरियल मतलब कितना, 4 factorial आंसर आएगा इसका. वैसे ही आगे बढ़ते हैं,
फोर्थ क्या है, ई के बाद किसका नंबर आएगा, एल का नंबर आएगा। अभी तक टी का नंबर आया ही नहीं है, टी का नंबर नहीं आया मतलब टेबल अभी नहीं बनेगा, ठीक है, टेबल बनने में भी टाइम है। तो यहां पर अभी एल से स्टार्ट करते हैं, अगर एल से स्टार्ट करूंगा मैं तो फिर से सेम कहानी है, 4 फैक्टोरियल यहां पर वेज आपके क्रिएट होने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप के ऊपर सबने ध्यान देना चाहिए। अगर किसी का गड़बड़ आंसर आ रहा है तो आर्यन 97 आ रहा है बेटा आपका, 97 आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि आप ये बता रहे हो कि टेबल के ऊपर कितने, टेबल किस पोजीशन पे होगा, ऐसा मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके अंदर प्लस वन और करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ऑलराइट, यहां पर देखो बाकी बच्चे, यहां पर जो मेरा फिफ्थ केस है वो क्या है, अब मैं टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखना स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर मैंने टी से स्टार्ट होने वाले सारे ही वर्ड्स लिख दिए तो पूरा खत्म ही हो जाएगा गेम, ठीक है, क्योंकि मुझे टेबल पे रुकना है ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, टी अगर आपका आ गया है जहां से आपका एक्चुअल वर्ड स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उस पोजीशन तक पहुंच चुके हो तो बहुत ही केयरफुली अब आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। यहां पर क्या बोलोगे आप कि अब मैं टी तो फिक्स कर चुका हूं, अब मैं जो उसके आगे वाला है उसको फिक्स करना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर आपको नाम कुछ अरेंज करना होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले फर्स्ट वाले को पकड़ते हो, फर्स्ट लेटर को, वो जब मैच हो जाता है तो सेकंड वाले को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहां पे सेकंड लेटर कौन सा आना चाहिए, टी को तो मैंने फिक्स कर दिया, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा अल्फाबेटिकली अगर चलूंगा तो। लेकिन अब मैं क्या नोटिस करूंगा कि यहां पर जो ए आएगा अल्फाबेटिकली वो एक्चुअली मेरे एक्चुअल वर्ड में भी है, तो अगर मैंने टी ए को चिपका दिया और इसके आगे सारे जो तीन बचे हैं उनको अगर मैंने अरेंज कर दिया तो टेबल फिर से बाहर निकल जाएगा, टेबल निकल गया इसमें, मुझे पता ही नहीं चला, तो मुझे और केयरफुली और आगे चीजें चिपकानी पड़ेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या चिपकाऊंगा मैं, टी चला गया, ए चिपक गया है, उसके बाद बी का नंबर आएगा, ठीक है, तो बी भी अगर मैंने चिपका दिया तो अब मुझे क्या समझ में आता है कि ये तो फिर से क्या है, जो मुझे एक्चुअल वर्ड चाहिए वही वाले लेटर्स हैं, तो और केयरफुली रहना पड़ेगा मुझे। मैंने अभी क्या किया, टी ए बी यहां पे फिक्स कर दिया, टी ए बी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं वो मैं यहां पे देखूंगा, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, दो ही प्लेसेस हैं, तो यहां पर बाकी बचे हुए दो आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो एक बार पहले बनेगा आपके पास ई एल और उसके बाद बनेगा आपके पास एल ई, तो जब टी ए बी एल ई बनेगा तो आपका वर्ड बन जाएगा जो उसको चाहिए था, टी ए बी एल ई, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक तो सारे काउंट हो गए, उसके बाद कितना आया, एक एक्स्ट्रा और आया, और क्योंकि आपको पोजीशन निकालनी है तो इस वाले पोजीशन का भी एक्स्ट्रा वन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे टेबल लिखा हुआ होगा, सीरियल नंबर क्या होगा उसका, तो इस बार इन सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 96 होगा, उसके अंदर वन और वन दोनों ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 98। निकिता 99 कैसे आ रहा है बेटा, चेक करो, बाकी बच्चे 98 बता पा रहे हैं यहां पे, सौरभ 33 कैसे, यस, अगर सौरभ थोड़ी सी दिक्कत है तो एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो, यहां पर ए बी ई और एल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनसे स्टार्ट होने वाले सारे ही वर्ड्स आपको कंटिन्यूली काउंट करते जाना है, जैसे ही टी आया ध्यान देना है, टी के ऊपर ध्यान क्या दिया मैंने, टी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स देख लिए तो उसमें टेबल गायब हो जाएगा, टेबल निकल जाएगा, मैं काउंटिंग करना चाह रहा हूं मुझे पता ही नहीं चलेगा कि टेबल का लोकेशन कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर मैं टी ए को फोकस देना स्टार्ट किया, लेकिन टी ए से स्टार्ट होने वाले सारे अगर मैंने काउंट कर लिए तो उसके अंदर भी टेबल चला गया, ठीक है, टेबल वर्ड काउंट हो गया, मैं टी ए के सारे काउंट करके भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया, टी ए बी को फिक्स किया। अगर मैंने टी ए बी को फिक्स किया तो अब मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज बचती हैं, एक मेरे पास टी ए बी ई एल बचेगा और एक टी ए बी एल ई बचेगा, तो टी ए बी ई एल ऊपर आएगा उसके बाद टी ए बी एल ई आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो 96 आ चुके हैं उसके ऊपर दो और ऐड कर लो तो आपको टेबल का पोजिशन पता चलेगा, क्लियर हो रहा है, यस, यहां तक बातें आई समझ में, आगे बढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके ऊपर आपको रिपीटेटिवली क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, थ्रू आउट। ऑलराइट, इसको एक बार आज के लेक्चर में और एक बार डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पक्के से चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। यहां पर अब थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं काउंटिंग में, ठीक है, ये आपको काफी आगे तक ले जाएगा अब ये कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, बार बार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोल रहे थे, बार बार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोल रहे थे यहां पर, लेकिन अब अलाइक ऑब्जेक्ट्स लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अलाइक ऑब्जेक्ट्स अगर आते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट होता है उसमें कैसे हम आंसर निकालेंगे ये आपको देखना होता है। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहां पर रिपीटेशन अलाउड था कि नहीं था, तो बच्चों जब भी आपको डिजिट्स दिए हुए होंगे, जब भी आपको लेटर्स दिए हुए होंगे, तो अरेंजमेंट करते समय आपको ये मान के चलना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि टेबल में जितने भी हैं टी ए बी एल ई जितने भी लेटर्स हैं उनको आगे पीछे आपको करके वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो कैसे मान के चलना है, जैसे कि ये इंडिविजुअल कार्ड्स हैं,
यस कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स देखें, एक प्लेइंग कार्ड है उसके ऊपर आपने टी लिखा हुआ है, एक के ऊपर ए लिखा हुआ है, एक के ऊपर बी लिखा हुआ है, एक के ऊपर एल लिखा हुआ है, एक के ऊपर ई लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को आगे पीछे करके नए नए वर्ड्स क्रिएट कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात। यहाँ पर एक्स्ट्रा ई कहाँ से आएगा, एक्स्ट्रा ई आ ही नहीं सकता है, जितने हैं उतनों को अरेंज करना है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा ई होता तो मैं एक्स्ट्रा ई भी लिखता एक कार्ड के ऊपर और फिर उनको अरेंज करने की कोशिश करता। क्लियर हुआ यहाँ पर, समझ में आ रही बात सबको। रिपीटेशन वाला कोई यहाँ पे फंडा आपने सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो श्रीशा यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन उसके लिए बना नहीं है बेटा, ठीक है। ऑल राइट, हम आगे अब ये जो पढ़ रहे हैं श्रीशा, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर रिपीटेशन अगर होती है चीज़ें तो परम्यूटेशन के थ्रू हम केसेस कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर कुछ रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गए हैं तो आंसर कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 एंड 2, हाउ मेनी कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 एंड 2, ठीक है। तो श्रीशा को जैसे यहाँ पे डाउट था, अब ये 2 रिपीट हो रहा है, 1 को रिपीट नहीं कर सकता लेकिन, क्योंकि मैंने 1 एक ही बार लिखा है, 2 दो बार लिखा है, ठीक है। तो मैं पहले आपको क्या दिखाता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने अरेंज किए थे 1, 2 और 3 को, कितने आए थे टोटल, 6 केसेस आए थे, क्या क्या आए थे वो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर 1, 2, 3 होता, अगर मेरे पास 1, 2, 3 डिजिट्स होते तो मैं क्या क्या बनाता यहाँ पे नंबर्स, एक तो 1, 2, 3 बनाता, एक 1, 3, 2 बनाता, फिर उसके बाद में 2, 1, 3 बनाता, 2, 3, 1 बनाता, उसके बाद 3, 1, 2 बनाता एंड 3, 2, 1 बनाता, ठीक है। इतने सारे केसेस में बना लेता, लेकिन अब मेरे पास अगर 3 के प्लेस में 2 ही दिया हुआ है, क्या सोचो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ 1, 2, 3 फिर से 2 ही आ गया, तो यहाँ पर जहां भी 3 लिखा है उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, 2 से रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं, समझो इस बात को बहुत ही ध्यान से, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट दैट यू वॉन्ट टू कैच। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को रिप्लेस कर रहा हूँ 2 के साथ में, तो 3 को रिप्लेस कर दिया 2 से, 2 से, यहाँ पर भी 3 को 2 से रिप्लेस कर दिया, सब जगह मैंने 3 को 2 से रिप्लेस कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे 3 को 2 से रिप्लेस कर दिया है तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, आप ये देखोगे कि कुछ नंबर्स अब ऐसा लग रहा है रिपीट हो गए, जैसे कि यहाँ पर 2, 2, 1 और 2, 2, 1 एक जैसा दिख रहा है ये तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2, 1, 2 एंड 2, 1, 2 एक जैसा दिख रहा है ये तो, और वैसे यहां पर 1, 2, 2 एंड 1, 2, 2 एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहां पर एक्चुअली कितने हैं अलग अलग, अलग अलग केवल 3 ही हैं, इसका आंसर कितना है 3, केवल 3 ही अलग अलग आप यहां पे नंबर्स बना सकते हो। लेकिन अब मैं इसके अंदर कोई फॉर्मूला अगर डेवलप करना चाह रहा हूं तो कैसे करूं, वो यहां पर आपको समझना है कि अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा था तो 1, 2, 3 में तो मैंने फॉर्मूला आपके साथ अभी डिस्कस किया था, 1, 2, 3 में क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था मैंने अभी अभी, n फैक्टोरियल वाला, 3 फैक्टोरियल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मुझे 3 फैक्टोरियल से तो 6 मिलता है, मुझे आंसर कितना चाहिए, 3 चाहिए। वो कैसे मिला आपको, वो आपको बेसिकली ऐसे मिला कि आपने ये नंबर जो निकला था उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 2 फैक्टोरियल से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या इंडिकेट करता है, 2 नंबर्स को उठा के आप आगे पीछे कितने तरीके से कर सकते हो, 2 नंबर्स को उठा के आप आगे पीछे कितने तरीके से कर सकते हो। तो यहां पर जो 2 और 3 को आगे पीछे करने के तरीके थे वो वेस्ट हो गए, 2 और 3 को आगे पीछे करने के तरीके वेस्ट हो गए, क्योंकि यहां पर 2 और 3 दिया ही नहीं, यहां पे 2 और 2 ही दिया है, यहां पे 2 एंड 2 ही दिया है। तो आप यहां पे आगे पीछे करके क्या उखाड़ लोगे, आगे पीछे करके आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे पीछे हो गए, अलग से 2 के ऊपर कलर थोड़ी है, यहां पे तब भी दिख रहा है आपको ब्लू कलर का 2 और 2, ग्रीन रेड कलर का 2, ठीक है आपके पास। लेकिन नंबर्स में ऐसा डिस्टिंक्शन होता नहीं है, राइट, क्योंकि ये नंबर्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो इनको आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आगे पीछे कितने तरीके से हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वे से हो सकते हैं। तो जो भी इंटरनल अरेंजमेंट वाला क्वांटिटी होता है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ता है टू गेट योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, विच इज 3। अब ये जो कंसेप्ट यहां पर मैंने बोला है, अगर आप इस सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ गए हो तो हम जनरलाइज्ड इसको केस में समझ सकते हैं, इसका आंसर याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास टोटल P+Q+R ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास टोटल P+Q+R ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर से पी ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, है ना। जैसे यहां पर आपके पास बनानाज है, एप्पल्स है, और कुछ तो आपके पास अलग दूसरे फ्रूट्स हैं, लेकिन बनानाज कैसे हैं, एक जैसे बहुत सारे बनानाज हैं, एप्पल्स कैसे हैं, एक जैसे बहुत सारे एप्पल्स हैं, और फिर एक एक अलग अलग फ्रूट है आपके पास में, ठीक है। ऐसे कुछ सिनेरियो सोचो यहां पर, तो आप जब बनाना को आगे पीछे करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कुछ आगे पीछे किया है। तो वो कितने तरीके से हो सकते हैं, इंटरनल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, पी आइटम्स के पी फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टोटल हमें जितना फैक्टोरियल लिखना चाहिए था उतना तो हम लिख ही देते हैं। तो अगर मेरे पास यहां पर टोटल P+Q+R ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं यहां पर P+Q+R फैक्टोरियल तो लिख ही दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा डिवीजन किससे करना होता है, जितने रिपीटेशंस होते हैं उससे डिवाइड करना होता है। क्लियर हो रहा है, तो इससे डिवाइड किससे करेंगे हम यहां पे, यहां पर P फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि P आर अलाइक,
पी आर अलाइक, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो एक जैसे हैं, और वैसे ही एक्स्ट्रा किससे डिवाइड करेंगे हम, क्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्यू आर अलाइक, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यू फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, आर फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आर कैसे हैं, आर अलाइक नहीं है, आर तो डिस्टिंक्ट है। आ रही बात समझ में? तो जितने अलाइक पोर्शंस आएंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करके आपके पास अरेंजमेंट के आंसर्स निकल के आते हैं। दिस इज द कंसेप्ट दैट विल बी यूजिंग इन नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। आई बात समझ में? यस, क्लियर है? आगे बढ़े। जितने भी लाइक है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करके आपको करेक्ट आंसर मिलता है। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। मुंबई, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाई रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई। अब ऑब्वियसली यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग नहीं होंगे, हमें मीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाई रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई, कितने हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सिक्स फैक्टोरियल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन कितने हैं, कौन कौन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, बस एम रिपीट हो रहा है ना, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है। जो भी क्वांटिटी कितने भी बार रिपीट हो रही होती है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करके हमारा फाइनल आंसर आता है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 720 अपॉन 2 मतलब 360। आई बात समझ में? यस, सिक्स फैक्टोरियल, यस आयुष बिल्कुल सही बोल रहे हो, यस यस 360 इसका आंसर आना चाहिए। आर्यन बहुत बढ़िया, ठीक है। श्रेय, यस। पाहुल बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं, अभी 360 आगे सबको बता दें बिल्कुल उसी तरीके से। एक और क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जल्दी से, इस बार लोकेशन चेंज करते हैं, इलाहाबाद चलते हैं, ठीक है। इलाहाबाद, इलाहाबाद के केस में आपके पास कितना आंसर आएगा, फैक्टोरियल के टर्म्स में भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, ठीक है। एक बार लिख के रखो, मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या नोटिस करूंगा बच्चों, कि अगर मैं इलाहाबाद के लेटर्स को आगे पीछे कर रहा हूँ तो मुझे पता करना पड़ेगा यहाँ पर कितने लाइक हैं और कितने डिस्टिंक्ट है, ठीक है। कितने लाइक है और कितने डिस्टिंक्ट है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले अगर मैं काउंटिंग करूंगा इलाहाबाद में, तो यहाँ पर मेरे पास ए कितने आ रहा है, एक दो तीन चार, चार तो मेरे पास ए ही आ गए, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, L, L कितने आ गए आपके पास, एक और दो, दो L आ गए। उसके बाद क्या है आपके पास, H, B और D सब अलग अलग हैं, H, B और D अलग अलग हैं, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो यहां पर एक बार काउंटिंग करके चेक कर लिया करो कि आपने सब सही लिखा है कि नहीं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नो, ठीक है। तो यहां पर मैंने बिल्कुल सारे जितने भी थे सारे लिख लिए हैं। तो स्टार्ट कहां से होगा, बहुत बढ़िया, यहां पर अंकिता आंसर बता रही है इसका। कितना आंसर आएगा, नाइन फैक्टोरियल तो आएगा ही बच्चों, बिल्कुल सीधा सीधा फंडा है, नाइन फैक्टोरियल तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन इसको एक्स्ट्रा डिवाइड किससे करना है, नाइन फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि यहां पर नौ अलग अलग लेटर्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये चारों एक जैसे हैं और ये दो एक जैसे हैं, तो एक्स्ट्रा फोर फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही करना होता है। अच्छा, निशा यहाँ पे फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बता रही है, ऑल राइट, वेरी हैप्पी टू सी दैट। लेकिन यहाँ तक भी छोड़ा बच्चों आपने तो मुझे आंसर चलेगा, इसके आगे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते तो आपको ऑप्शंस में भी फैक्टोरियल के फॉर्मेट में ही ऑप्शन मिलेंगे, अलग से इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन कोई करने के लिए आपको बोलता नहीं है, ठीक है। यस, बिल्कुल बढ़िया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर शाश्वत है, सौरभ है, सही आंसर बता रहे बच्चों सब आप, ऑल राइट। हाँ हरप्रीत, फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो लेट अस अप्लाई इट इन अनदर बेटर क्वेश्चन, है ना। इस बार फिर से क्या हो रहा है, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे फिर से, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस। सक्सेस चाहिए कि नहीं सबको, है ना। तो सक्सेस को जल्दी से सक्सेसफुली अरेंज करके बताओ कि सक्सेस का पोजिशन कौन सा आएगा अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो तो, ठीक है। यस नाजिया, यहाँ पे ध्यान से सुनो बेटा, बिल्कुल आएगा समझ में, है ना। यहाँ पर देखो, अब याला क्वेश्चन अगर करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके अभी यहाँ पे फंडे क्लियर करते हैं दोनों साइड के, एक तो ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस, प्लस यहाँ पर रिपीटेशन अगर हो जाते हैं तो कितने से डिवाइड करना होता है उसका फंडा, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एक करके, अगर किसी को आंसर आ रहा है निकालते तो मुझे आंसर बताते जाओ चैट में, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस, किसको अरेंज कर रहे हैं हम, S-U-C-C-E-S-S, सक्सेस को अरेंज करें, एंड अरेंज अल्फाबेटिकली, सबको अल्फाबेटिकली आपने अरेंज कर दिया, देन वॉट इज द पोजिशन ऑफ द वर्ड सक्सेस, सक्सेस कौन सी पोजिशन पे आएगा। जैसे इसके पहले अभी हमने टेबल वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आपके आंसर थोड़े बड़े आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से करो, है ना, जल्दी मत करो। यहाँ पर डिक्शनरी वाला फंडा जो है, अल्फाबेटिकल अरेंज करने वाला जो फंडा है वो यूज करना पड़ेगा, इतने जल्दी आंसर अभी आएगा नहीं। यस अंकिता बोल रही लॉन्ग कैलकुलेशन से, यस बेटा बिल्कुल, आप अगर बोल रहे लॉन्ग कैलकुलेशन मतलब आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। जो यहां पे बच्चे आंसर बता रहे हैं जल्दी जल्दी, उनको अभी कंसेप्ट और पकड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सक्सेस देख के अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको अल्फाबेटिकली क्योंकि अरेंज करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देता हूं,
ठीक है. तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, सी का नंबर आएगा, दो है सी. उसके बाद किसका नंबर आएगा, ई का नंबर आएगा. उसके बाद एस का नंबर आएगा, ठीक है. एस यहां पर कितने हैं, तीन है. ऑलराइट, तीन है यहां पे एस. और क्या है आपके पास, फिर एंड में यू है. ऑलराइट, कितने हैं यहां पर, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, सही सारे लिख लिए हमने, ठीक है. अब एक एक करके मैं देखूं अगर यहां पर, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कौन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, सी को फिक्स करेंगे. आयुष बहुत बढ़िया, ठीक है. आयुष बोल रहा है कि यहां पे सी को फिक्स कर दो, कर देते हैं बिल्कुल. सबसे पहले नंबर आएगा सी का, सी को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो बचेंगे कितने, एक दो तीन चार पांच छह, है ना, टोटल सेवन लेटर्स है ना हमारे पास. तो कितने अभी प्लेसेस बचे हैं वेकेंट फिल करने के, छह बचे हैं, ठीक है. तो अब यहां पर छह अगर मैं लेटर्स को आगे पीछे करूंगा तो कितने तरीके से होना चाहिए थे, सिक्स फैक्टोरियल वेज में होना चाहिए थे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अब जो बचे हुए हैं जिनको अभी आपने चिपकाया नहीं है उनको यहां पे ध्यान से देखो. यहां पर आपने सी को तो चिपका दिया, अब आपके पास जो बचा है यहां पर उसमें कुछ रिपीटेशन है क्या, बिल्कुल है. इसके अंदर तीन एस एक जैसे हैं, क्योंकि इसके अंदर तीन एस एक जैसे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा. सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स मतलब फाइव फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स मतलब फाइव फैक्टोरियल, और वो कितना होता है यहां पर, 120 होता है. दूसरा देखते हैं यहां पर, अब सी को मैं फिक्स कर चुका हूं, क्या यहां पर मैं अगले वाले सी को फिक्स करूंगा अभी, नहीं. आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये मैंने कौन सा सी फिक्स किया था, समझो इस बात को. अब आगे किसका नंबर आएगा, सी के बाद में अगले वाले सी का नंबर आना चाहिए था, लेकिन हमें क्या पता कि हमने कौन सा वाला सी फिक्स किया, इसका नंबर नहीं आएगा, ये ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं केसेस. अभी किसका नंबर आएगा, अब ई को फिक्स करने का नंबर आएगा, ठीक है. स्टार्टिंग में ई को चिपका दो, अगर ई को स्टार्टिंग में चिपका दिया, एक दो तीन चार पांच छह, फिर से आपके पास छह प्लेसेस बची हैं, छह प्लेसेस को भी आपको यहां पर फिल करके देखना है कितना आएगा. तो फिर से आप सिक्स फैक्टोरियल तो बोलोगे, लेकिन अब ध्यान से देखो कि आपको एक्स्ट्रा कोई क्वांटिटी मिल रही है क्या यहां पे. अगर आपने ई को फिक्स कर दिया है बच्चों, अगर आपने ई को फिक्स कर दिया है तो प्रॉब्लम क्या है, ई को फिक्स करने के बाद में दो सी एक जैसे हैं और यहां पे तीन एस एक जैसे हैं जो आपको यहां पे अरेंज करने थे. तो सिक्स फैक्टोरियल में से आपको फर्दर डिविजन कितना करना पड़ेगा, टू फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल का डिविजन करना पड़ेगा, विच विल गिव यू 60. इज दिस क्लियर, 60 आएगा यहां पर, क्योंकि एक्स्ट्रा टू फैक्टोरियल और आ गया नीचे. यहां तक बातें आई समझ में. ऑलराइट, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि यहां पर ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, 661 जैसा कोई तो आंसर बता रहा है मुझे, 481 जैसे कुछ आंसर दिख रहे हैं. ऑलराइट, 354. ओहो विशाल, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, ठीक है. ऑलराइट, यहां पर और देखते हैं आगे. अब मैं एस को चिपकाता हूं, अगर मैंने एस को चिपका दिया तो क्या मैंने बिल्कुल आगे सारे सब कुछ काउंट कर लेना चाहिए क्या, यस या नो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है. यहां पर क्या होगा, अगर मैंने एस को स्टार्टिंग में चिपका के सारे अगर अरेंज कर दिए तो सक्सेस तो वहीं पर निकल गया ना, फेलियर आ गया. ये तो सक्सेस को जाने नहीं देना है, सक्सेस को वहीं पे पकड़ना है हमें, ठीक है. तो अब एस से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे, है ना, अगर आपको एस से स्टार्ट करना है तो फिर अल्फाबेटिकली सबसे पहले किसका नंबर आएगा, एस सी का नंबर आएगा. तो सबसे पहले एस सी को देखते हैं, एस सी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा जो वर्ड है वो क्या है, एस यू से स्टार्ट हो रहा है. तो एस यू आने में अभी प्रॉब्लम है, एस यू आने में अभी टाइम है, अभी उसको यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. तो मैंने किसको चिपका दिया यहां पे, मैंने चिपका दिया, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं इस तरीके से, है ना, एक सिंगल बॉक्स में डाल देते हैं एस सी को. एस सी को अगर मैंने चिपका दिया तो एक दो तीन चार पांच, पांच ही प्लेसेस बची ना बच्चों फिल करने की, टोटल सात है, ठीक है. तो यहां पर पांच प्लेसेस बची, मतलब फाइव फैक्टोरियल वेज में आप इसको अरेंज कर सकते थे. लेकिन आपने अगर एस और सी को चिपका दिया, आपने एक एस और एक सी को चिपका दिया, तो बचे हुए में क्या हो रहा है, बचे हुए में अभी दो एस एक जैसे हैं, मतलब आपको इसको फर्दर टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये भी कितना आएगा फिर, 120 अपॉन टू मतलब 60 आएगा. यस, आरिवा सोन में 331, यस बहुत बढ़िया. कौन बता रहा है इसका आंसर, पद्मिनी नायक, बहुत बढ़िया बच्चे. चलो और आते हैं आगे, फोर्थ वाला देखते हैं. एस सी के बाद में किसका नंबर आएगा, एस ई का नंबर आना चाहिए. एस ई का जो नंबर आएगा उसके अंदर कितने लिखोगे आप, एक दो तीन चार पांच, ठीक है. तो यहां पर पांच अभी और बचे हैं फिल करने के. तो फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होगा आपकी बार, आपने एस को फिक्स किया है और ई को फिक्स किया है, तो यहां पर दो एस और दो सी एक्स्ट्रा हैं, तो आपको दो बार टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इस बार कितना आएगा, 30, इस बार कितना आएगा, 30, ठीक है. और आगे चलते हैं, अब कहानी कहां तक पहुंच चुकी है, एस ई हो गया है. अभी आप एस एस वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्योंकि यहां अवेलेबिलिटी है,
मल्टीपल एस की अवेलेबिलिटी है, यस 331, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है वहां तक पहुंच रहे हैं हम। यहां पर एस और एस की अवेलेबिलिटी है, इसलिए नेक्स्ट केस आएगा एस एस वाला, लेकिन उसके बाद कौन सा केस आएगा, एस यू वाला केस आएगा, जहां पे फिर से मुझे बहुत ही ध्यान से चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल वर्ड है उसके अंदर भी एस यू आता है, ठीक है। तो एक केस और देखते हैं, जहां पर हमारे पास फिफ्थ केस है, इन विच आई एम टेकिंग एस एस। अगर एस एस को फिक्स कर दिया, एक दो तीन चार पांच, पांच प्लेसेस में अरेंज करने के तरीके, फाइव फैक्टोरियल, लेकिन आपने अगर एस एस को फिक्स कर दिया तो अभी दो सी जो है ये एक साथ एक जैसे दिख रहे हैं ना, मतलब आपको एक्स्ट्रा टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस विल अगेन गिव यू 60। बहुत सारे 60s आ रहे हैं यहां पे, ठीक है। ऑलराइट, और क्या देखता हूं मैं अब नेक्स्ट, अगर मैं जैसे ही लिखने जाऊंगा मैं क्या बोलूंगा, एस यू को फिक्स करो, लेकिन एस यू को फिक्स करके मैं सारे काउंट नहीं कर सकता, नहीं तो सक्सेस निकल जाएगी, ठीक है। तो एस यू को अगर मैंने फिक्स कर दिया है, एस यू को अगर मैंने फिक्स कर दिया है, तो उसके बाद अल्फाबेटिकली क्या लूंगा मैं, सी। लेकिन एस यू सी ये तो मेरे एक्चुअल वर्ड में आता है, कोई बात नहीं, तो इसको फिक्स कर ही देंगे, इसके आगे वाला भी फिक्स कर देते हैं एस यू सी सी, लेकिन एस यू सी सी मेरे एक्चुअल वर्ड में भी आता है, ठीक है। और ऐसे अगर देखते जाओगे तो ई एस एस, ई एस एस पूरा का पूरा एक्चुअली अब नेक्स्ट जो बनने वाला है आपका वर्ड सक्सेस ही बनने वाला है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्चुअली सक्सेस ओनली, ठीक है। तो यहां आके आपको एक्स्ट्रा सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। प्लस वन करना भूलना मत, क्योंकि मैंने पोजीशन पूछी आपसे, मैंने ये नहीं पूछा है कि सक्सेस के ऊपर कितने आएंगे, ठीक है। मैंने बोला है कि सक्सेस की पोजीशन क्या रहने वाली है। तो 331 यहां पे नजर आ रहा है बच्चों, 331 यहां पे काउंटिंग करके देख लेते हैं, 120 120, ठीक है, और उसके बाद में 30, और फिर आगे बढ़ते हैं यहां पे 60 एंड एक्स्ट्रा वन, ठीक है, दिख रहा है सबको। ऑलराइट, यहां पर कितना आंसर आएगा, 331 आंसर आ रहा है, क्लियर हो गया सबको, बढ़े आगे, सक्सेस मिल गया आयुष को, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ऑलराइट, सो आवर एक्चुअली हाउ मेनी आर वॉचिंग नाउ इज वेरी क्लोज टू व्हाट आवर आंसर इज, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो यहां पर देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर इनसेट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। नाउ थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग, यहां पर अब आपको एक्चुअली मजेदार क्वेश्चन करने को अब मिलेंगे, क्योंकि आपने काफी सारे बढ़िया बढ़िया से कंसेप्ट यहां पे देख लिए हैं। क्वेश्चन समझो बच्चों यहां पे, है ना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्या है यहां पर, दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सुनो यहां पर ध्यान से, दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इसके ऊपर एक इंसेक्ट है जो क्या करना चाह रहा है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना चाह रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, If an insect wants to travel from point A to point B on the net, ये जो है net है, ठीक है, vertically net होती है ना, याद आ रहा है ऐसा कुछ, net दिखा है कहीं पे किसी ने, है ना, जैसे football का net होता है वैसे कुछ। यहाँ पर net के यू वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर confusion नहीं होना चाहिए। अगर insect चलेगा तो ये जो आपको lines दिख रही है इनके ऊपर ही चलेगा, वो ऐसा उड़ के नहीं जा सकता यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो रहा है, या फिर वो ऐसा डायगनली नहीं जा सकता इस पॉइंट तक, उसको अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो उसको कहीं ना कहीं नेट के ऊपर चल के ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस, अच्छा सो यू मिस सेइंग लाइक बढ़ाओ, अरे ओके थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, कोई अगर बच्चे लाइक करना चाह रहे हैं डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, है ना। ऑलराइट, बाकी कोई जो पढ़ना चाह रहे हो पढ़ो, है ना। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे पढ़ तो वैसे सभी रहे हैं आई गेस, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया आंसर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट कार्तिक बेटा एक बार और सुन लेना, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सेशन जो है रिकॉर्डेड आपको मिलता है आफ्टर द कंप्लीशन, तो आप डेफिनेटली चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, एक बार फिर से अच्छे से सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे, जो आपको लेक्चर नोट्स इसके बाद मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वह पढ़ के ज्यादा जल्दी रिविजन कर सकते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर नोट्स दैट यू आर गेटिंग हियर, ठीक है। तो उनको डाउनलोड हर लेक्चर के बाद कर लिया करो बच्चों, ठीक है। काफी सारे बच्चे यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, जिनको नहीं मिलता वो बोलते हैं सर इस बार आपने अपलोड नहीं किया, जल्दी से करो, ठीक है। तो हम जल्दी से फिर उनकी बात मान के अपलोड कर भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं डाली है तो वो क्या कर सकता है, एक्चुअली सारे वीडियोस भी जाके एक एक करके डाउनलोड करके रख सकता है अपने पास में। लेक्चर नोट्स होना चाहिए ताकि आप जल्दी से क्विक रिविजन कर पाओ सारे कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपको उसमें से कोई बात समझ में नहीं आती, then you can go back to that particular video and watch that particular section जहां पर आपको बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। So that is the ideal way to revise whenever you try to, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर इसको इसका आंसर निकालते आते हैं तो बिल्कुल निकाल सकता है, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो इसका आंसर कितना आना चाहिए। यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि अगर उस इंसेक्ट को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है तो उसने कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए और कभी भी लेफ्ट नहीं जाना चाहिए, समझ रहे इस बात को। कभी भी अगर ये ऐसा कुछ जाता है ना तो ये ऐसा गया फिर ऊपर गया फिर लेफ्ट आ गया फिर नीचे आ गया फिर ऐसा ऐसा कुछ तो घूम रहा है, ठीक है। तो ये तो लॉन्गर पाथ हो जाएगा, मुझे लॉन्गर पाथ नहीं चाहिए, मुझे यहां पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ चाहिए, ठीक है। अगर मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, ऑलवेज एम टूवर्ड्स योर गोल, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, या तो आपको राइट जाना अलाउड है, राइट जाते जाओ,
या फिर आपको अप जाना अलाउड है, या तो राइट जाओगे या फिर अप जाओगे, यही अलाउड है। तो ये जो एक पर्टिकुलर पाथ मैंने आपको बना के दिखाया है, दिस इज इनफैक्ट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है, ऐसा ही एक और पाथ बना के दिखाता हूं मैं, लेट अस से रेड कलर से करके दिखाते हैं। यहां पर ऐसा ऊपर जा सकता है, फिर ऐसा जा सकता है, ऐसा 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 कुछ तो जा सकता है, और फिर यहां पर जा सकता है। ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगेन वो क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ही पहुंच रहा है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आंसर निकालने के लिए ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी। ठीक है, यहां पर तरीका समझो, यस तरीका अगर आपने समझ लिया है, अच्छा सर्वेश को यहां पर याद है कि ये क्वेश्चन मैंने कहां कराया था, बहुत बढ़िया सर्वेश। ठीक है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहां पर बच्चों को याद होगा, क्योंकि ये मैंने कम से कम 3 महीने पहले क्वेश्चन कराया था, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हम यहां पर एंटायर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सर्वेश, तो यहां पर डेफिनेटली उसका डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि जो फंडा है मेन वो अभी हमने सीखा है, तो यहां पर ये जो बढ़िया वाला क्वेश्चन है उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्विज में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगर किसी को केवल क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट है तो क्विज डेफिनेटली यहां पर अटेंड कर सकता है हम लोगों की। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहां पर आप ये देखोगे कि अगर यहां पर हम बोलते हैं कि ये जो एक ब्लॉक है, दिस इज अ सिंगल स्टेप, लेट अस से दिस इज अ सिंगल स्टेप, तो ये जो सिंगल स्टेप्स हैं ये एक्चुअली आपको कितनी लेनी है, ये सिंगल स्टेप्स आपको टोटल 8 स्टेप्स लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 वर्टिकल। ठीक है, तो कितनी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेनी है आपको, 5, और कितनी वर्टिकल स्टेप्स लेनी है आपको, 3। कहीं पर भी काउंट कर लो, ये रेड वाले भी क्योंकि शॉर्टेस्ट है ना, तो यहां पे देखो कि आपने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स कितनी ली है, 1 2 3 4 5, और वर्टिकल कितनी ली है, 1 2 3। कोई सा भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, राइट एरोस कितने आएंगे उसके अंदर, उसके अंदर 5 राइट एरोस आएंगे, और अप एरोस कितने आएंगे उसके अंदर, उसके अंदर 3 अप एरोस आएंगे। अब ये जो टोटल आपके पास 8 एरोस हैं, ये जो 8 एरोस हैं आपके पास में, इन्हीं को आपको अरेंज करना है, यू विल डेफिनेटली गेट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ओनली, और कोई पाथ जनरेट ही नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर नेवर गोइंग लेफ्ट एंड यू आर नेवर गोइंग डाउन। ठीक है, यू आर ऑलवेज गोइंग इधर अप और इधर राइट। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है इससे आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ही मिलने वाला है, कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो यहां पे अगर कंसेप्ट समझ में आया तो अप्लाई करते हैं इसको, कितने टोटल एरोज है हमारे पास, टोटल एरोज हमारे पास 8 है, तो 8 फैक्टोरियल वेज में एरोज अरेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर राइट दिखने वाले कितने एरोज हैं, 5 एरोज है, वो सब एक जैसे हैं, आपको क्या पता कि आपने कौन सा वाला एरो कहां लगाया। ठीक है, कौन सा एरो कहां लगा है थोड़ी पता आपको, तो इसको कितने तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और वैसे ही अब दिखने वाले एरोस कितने हैं आपके पास, अब वाले एरोस 3 हैं, तो इसको फर्दर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस बिकम्स योर आंसर वेरी इजी वंस यू गेट द कंसेप्ट राइट। ठीक है, यहां पर काउंटिंग कैसे करें समझ में आ रहा है, जो यहां पे हमने ट्रिक यूज की है एरोज वाली, वो अगर आपने समझ लिया है तो आपको बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस आगे से करते आ जाएंगे। ठीक है, आई बस उनमें क्लियर हो गया, यहां पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इतना भी आपको फंडा समझ में आएगा तो आई थिंक द टास्क इज कंप्लीट। ठीक है, इसको 8 फैक्टोरियल को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर नीचे चीजें कैंसिल हो जाएगी, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और 6 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर 56 आ जाएगा। यस आई बस उनमें, यस आर्यन गॉट इट, अंकिता ऑल राइट, चलो पाहुल को भी समझ में आगे बात, आदित्य समझ में आगे बात, ऑल राइट ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट जो आपको समझना है दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, है ना, चैप्टर का नाम ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वी हैव फाइनली रीच्ड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां पर लास्ट आपको समझ में आ रही है हमने क्या डिस्कशन स्टार्ट किया था, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में क्या करते हैं बच्चों, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट्स करते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, आपको अगर फील लेनी है कि कॉम्बिनेशन मतलब करना क्या है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में आपको सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, सिलेक्शन करना होता है चीजों का, अरेंजमेंट नहीं करना होता। ठीक है, आपको अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर 10 लोग खड़े हैं, 2 लोगों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, 2 लोगों को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उनको अरेंज थोड़ी करोगे आप, ये थोड़ी बोलोगे कि आप आगे खड़े हो जाओ और आप पीछे खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, 2 लोगों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो सिलेक्शन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, जो काउंटिंग हमें करनी पड़ती है रियल लाइफ में कई बार, और वैसे अरेंजमेंट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। अरेंजमेंट वाला कंसेप्ट अभी हमने परम्यूटेशन वाला कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी वांट टू स्टार्ट इज सिलेक्शन वाला कंसेप्ट विच इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या समझना रहेगा, एक सिंपल सा पहले एग्जाम्पल समझना रहेगा, जैसे मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा था, है ना, एग्जाम्पल अगर समझ में आ जाएगा तो वापस ऊपर चलते हैं, स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ऐसा बिल्कुल थियोरिटिकली रटने वाली बात है वो बाद में,
पहले समझने वाली बात करते हैं, ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन टू बॉयज बी सिलेक्टेड आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ फोर बॉयज. मेरे पास चार बॉयज का ग्रुप है, उनमें से दो बॉयज मुझे सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से मैं कर सकता हूं. तो यहां पर एक बार काउंटिंग वाला प्रोसेस तो हमारे पास हमेशा होता ही है बच्चों, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं उन बॉयज के नाम ए बी सी डी है, ए बी सी डी बॉयज है मेरे पास, ठीक है? उनमें से अगर मैं दो दो का ग्रुप अलग करना चाह रहा हूं, दो दो का ग्रुप अगर मैं अलग करना चाह रहा हूँ, यस अविरल को मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे फंडे क्लियर हैं, है ना? जिनको क्लियर है बच्चों बहुत ही बढ़िया बात है, जिनको नहीं है वो यहाँ पे पहले काउंटिंग करके देखो कि इसका आंसर कैसे डेवलप होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा मुझे दो दो का ग्रुप सिलेक्ट करना है ना, दो बॉयज सिलेक्ट करना है, तो ऐसा करते हैं ए बी को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ए सी को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ए डी को सिलेक्ट कर लेते हैं. इसके अंदर क्या किया मैंने, ऐसे केसेस काउंट कर लिए जिसके अंदर सब में ए है, ए को हटाओ, है ना, बी से स्टार्ट करो. या तो आप बी सी को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप बी डी को सिलेक्ट कर सकते हो. यहां पर सब में बी है, चलो इसको भी हटाओ, या फिर आप सी डी को सिलेक्ट कर सकते हो. यहां पर आप क्या देखते हो कि आपके पास टोटल कितने केसेस आ गए, आपके पास छह केसेस आ गए. यस एवरीबडी इज एबल टू सी दिस, यहां पर छह केसेस आएंगे, कैसे आए वो भी आपके सामने है, ठीक है? तो यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर सिक्स है. अब यहां पर ऐसा काउंटिंग हम हर बार थोड़ी ना कर सकते हैं, हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए. अब वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या मैं इसका आंसर डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल बता दूं क्या, या इसका आंसर मैं 4p2 बता दूं क्या, है ना? 4p2 से काफी कुछ सही आंसर आएगा, वैसे काफी कुछ, थोड़ा गड़बड़ होगा लेकिन काफी कुछ सही आएगा. अगर यहां पर आपने 4p2 लिख लिया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, क्योंकि 4p2 का मतलब बच्चों आपको पता है, चार में से दो को अरेंज करना है. चार में से अगर दो को अरेंज करना होता है तो आप 4p2 लिखते हो. लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी को सिलेक्ट किया है, आपने बी ए लिखा है कि ए बी लिखा है, मुझे उससे मतलब नहीं. आपने पहले ए को सिलेक्ट किया फिर बी को सिलेक्ट किया, या पहले बी को सिलेक्ट किया फिर ए को सिलेक्ट किया, मुझे उससे मतलब नहीं है. फाइनली ए और बी सिलेक्ट होके आ गए हैं, मुझे उससे मतलब है, ठीक है? मतलब किससे मतलब नहीं है, यहां पर जो दो दो के ग्रुप बन रहे हैं उनके ऑर्डर से मतलब नहीं है, उनके अरेंजमेंट से मतलब नहीं है. इस पॉइंट को समझ में आई बात, है ना? तो इसके अंदर ये गड़बड़ क्या है, इसके अंदर अरेंजमेंट भी हो रहा है. तो अगर मैं अरेंजमेंट नहीं करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, इसको एडिशनल टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, एडिशनल टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहां पर ए बी और बी ए मेरे लिए सेम है, ए सी और सी ए मेरे लिए सेम है, ठीक है? तो यहां पर आप क्या सोचते हो, एनपीआर वाले फॉर्मूले को अलग से एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल से बस डिवाइड करना है, तो आपका सिलेक्शन वाला आंसर आ जाता है. समझे इस बात को, एनपीआर वाले फॉर्मूले को एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका सिलेक्शन वाला आंसर आ जाएगा. उसके लिए हमने नया नोटेशन बनाया हुआ है, ठीक है? इसको अगर सॉल्व करके देखना चाह रहे हो तो देख लो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल अभी यहां पे हमने लिखा है, तो हो जाएगा 6 आएगा टोटल, ठीक है? जो हमारे यहां पे आंसर भी है. सो दिस इज द करेक्ट आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग वॉट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स. अगर आप आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो एन में से, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, एनपीआर कर लो. एनपीआर में गड़बड़ क्या है कि आपने अरेंज भी कर दिया, बोला ही नहीं था करने के लिए तब भी कर दिया, तो ऐसा करो इसको एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. तो एनपीआर का रिजल्ट पता है आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या हो गया, आर फैक्टोरियल से डिवीजन हो गया. तो ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है? यस, इसी चीज को हम अब कुछ और बोलेंगे ऑब्वियसली, ताकि हमें क्लियर रहे नोटेशन वाइज कि यहां पर कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर हम बोलते हैं इसको एनसीआर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है? इंस्टेड ऑफ एनपीआर जहां पे परम्यूटेशन हो रहा था, हमने इसका नाम रख दिया एनसीआर, ठीक है? तो यहां पर बच्चों आपको क्या क्या समझ में आ गया है, आपको यह समझ में आ गया है कि वॉट इज द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या है, एनसीआर इज इक्वल टू NPR upon R factorial, या फिर इसी चीज को बच्चों ऐसा भी समझ सकते हो, NPR is equal to NCR into R factorial. एक ही बात है, ठीक है? एक ही बात है. और वैसे ही आपने अगर फॉर्मूला ओपन कर दिया, आपने अगर NPR का फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो आपको पूरा फॉर्मूला किसका मिल जाएगा, NCR का फॉर्मूला मिल जाएगा. ये जल्दी से लिख लो, जो पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से यहां पे लिख लो, ठीक है? कितना आएगा, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल, ठीक है? एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल ही है जो हमारे पास आया है, बाकी कुछ यहां पर नया नहीं है. लेकिन ये क्या दे रहा है हमें, ये कितने वेज ऑफ सिलेक्शन है, वेज ऑफ सिलेक्शन दे रहा है हमें, वेज ऑफ अरेंजमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है? अब यहां पर सोचो ये कितना बढ़िया रिलेशन है, ठीक है? ये क्या है, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स. उसी चीज को विजुलाइज करना है तो ये बहुत ही बढ़िया आपके पास एक टेक्निक होती है, ठीक है? आप क्या बोलोगे, मैं पहले एन में से आर चीजों को सिलेक्ट कर लेता हूं,
उसके बाद वो जो आर चीजें आई है उनको अरेंज कर लूंगा, ठीक है। आर चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने, आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो आगे से कभी भी मैं अवॉइड करूंगा यूजिंग एनपीआर, आई विल ऑलवेज ट्राई टू यूज इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन विच इज एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल, इट इज मोर कन्वीनियंट, इससे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है एज कंपेयर टू एनपीआर, ठीक है। एनसीआर मतलब क्या है, एन में से आर को सिलेक्ट कर लो, और आर फैक्टोरियल का इंडिकेट कर रहा है वो जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको फिर अरेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। दैट इज हाउ वी विल रिमेंबर दिस। अब यहां पर जल्दी से हम ये देखते हैं, यस एक एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल के साथ साथ और एक यहां पे फंडा क्लियर होगा कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन क्यों आता है, ठीक है। यस कौन पूछ रहा था, वो कोई तो पूछ रहा था यहाँ पे, स्टूडेंट नाम भूल गया मैं, लेकिन जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन क्यों आता है, बच्चों यहां पे आके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो कुछ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको बहुत ही बेसिक वाली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू है एनसीआर ये बहुत बार यूज में आती है, मतलब यहाँ तो यूज आ ही रही है, आगे आपको बाइनोमियल थ्योरम नाम के चैप्टर में भी यूज आएगी, ठीक है। तो एनसीआर कैलकुलेट करते आपको आना चाहिए। लेट अस ट्राई सम बेसिक एग्जांपल्स। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4C2, ठीक है, 4C2, तो आप फॉर्मुला यूज करो, ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल। इस चीज को बच्चों आप जल्दी से लिखने का तरीका क्या होता है वो समझने वाली बात है यहां पे, ठीक है, क्योंकि आगे मैं आपसे लेटर से पूछता हूं 6C2, तो क्या आप इसका आंसर जल्दी से बता सकते हो क्या, है ना। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, जब मैं 4C2 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूं इसको, और नीचे 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है तो एक 2 फैक्टोरियल तो कर दो कैंसिल। तो आपको कैसा नजर आएगा कि अगर आप NC2, अगर आप 4C2 कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर नीचे तो 2 फैक्टोरियल आया, इफेक्टिव बता रहा हूं, इफेक्टिव आंसर कैसे आप जल्दी से लिख सकते हो वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से सुनो, है ना, ये स्टेप मिस कर सकते हैं हम बीच में ताकि आप जल्दी से आंसर तक पहुंच पाओ। अगर आप 4C2 लिखना चाह रहे हो तो नीचे तो 2 फैक्टोरियल आएगा ही, एक्स्ट्रा ऊपर क्या आएगा, ऊपर 2 फैक्टर्स आएंगे, समथिंग इंटू समथिंग, कितना लिखना है आपको, 2 बार लिखना है, 2 बार क्यों, क्योंकि आप C2 कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। वैसे अब आप यहां पे अगर 6C2 कैलकुलेट करने जाओगे तो फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहां पे इसको ओपन करता हूं तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बनेगा ना, तो 4 फैक्टोरियल वाला क्वांटिटी तो कैंसिल होने वाला है, तो वाई टू डू दिस अगेन एंड अगेन, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या होगा एनसीआर का, अगर आपके पास यहां पे 6C2 है, अगर 6C2 है तो आप नीचे तो 2 फैक्टोरियल लिख दो और 6 से स्टार्ट करके 2 फैक्टर्स लिखो, एक तो 6 लिखा हुआ है, एक 5 और लिख दो, बस ये अगर करोगे तो आपका आंसर जल्दी से निकल के आएगा। जैसे मैं यहां पे अगर बोलना चाह रहा हूं कि जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज 9C3, व्हाट इज 9C3, तो मैं क्या करूंगा, नीचे तो 3 फैक्टोरियल लिखूंगा और ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर 3 फैक्टर्स लिखूंगा, कहां से स्टार्ट करके, 9 से स्टार्ट करके, 9 × 8 × 7, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पे बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर इस तरीके से कैलकुलेट करके जल्दी आंसर निकाल सकते हो, क्लियर हो गया। लेकिन इससे भी बढ़िया टेक्निक है हमारे पास, ठीक है, ये तो है ही, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ते हैं जिनकी मदद से आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जल्दी करते आएगा, और कैलकुलेशन जल्दी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो यहां पर हम डिस्कस बिल्कुल करे बिना आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर जल्दी हो जाएगा तो फिर तो मजे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पीएनसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ कुछ चीजें यहां पे बच्चों हम याद करते हैं, ठीक है, इनको ऐसे प्रॉपर्टी ही याद कर लो, ठीक है। हालांकि यहां पे जो मेन प्रॉपर्टी है वो लास्ट वाली है, उसको लेकिन बाद में डिस्कस करते हैं। NC0, यस, जिसको समझना था कि जीरो फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, जीरो फैक्टोरियल वन होना चाहिए, उसको यहां पर समझने वाली बात है कि एनसीआर का बेसिक आइडिया क्या था, एनसीआर का बेसिक आइडिया क्या था, ठीक है। पढ़ो इस स्टेटमेंट को, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, समझो इस बात को, जीरो फैक्टोरियल समझना चाह रहे हो ना, तो इस बात को समझो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसका आंसर कितना लिखा हमने, NCR, ठीक है, ऑल राइट। तो यहां पर अब मैं अगर बोल रहा हूं आपसे कि NC0 निकालो, तो NC0 अगर मैं आपको निकालने के लिए बोल रहा हूं, मतलब क्या बोल रहा हूं, आपके पास यहां पे N फ्रूट्स रखे हुए, N चॉकलेट्स रखे हुए, कुछ भी इमेजिन करो, N यहां पर टॉयज रखे हुए, कुछ भी इमेजिन करो, ठीक है, N कुछ तो आइटम्स रखे हुए आपके पास यहां पर, उसमें से मैं बोल रहा हूं कि एक को भी सिलेक्ट मत करो, जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, कितनों को सिलेक्ट किया, मैं बोल रहा हूं N रखे हुए, एक भी सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन कितने तरीका है, एक तरीका है ना कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, समझे इस बात को, यहां पर अगर मैं एक भी चीज सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा तो उसका भी एक तरीका है कि हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं NC1 करना चाह रहा हूं,
NC1, मेरे पास N यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, अलग अलग हैं, सारी अलग अलग कंपनीज की, ठीक है, N यहाँ पर चॉकलेट्स है, उसमें से मैं एक चॉकलेट उठाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, या तो मैं इसको उठा सकता हूँ, या फिर इसको उठा सकता हूँ, या फिर इसको उठा सकता हूँ, या फिर इसको उठा सकता हूँ, इस तरीके से उठा सकता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, N पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, अगर मैं N में से N के N उठाना चाह रहा हूँ, मेरे पास N चॉकलेट्स हैं, मैं सारी N चॉकलेट्स उठाना चाह रहा हूँ, कितने तरीके से उठा सकता हूँ, एक ही तरीका है, सब उठा लो, समझे इस बात को। तो NCN का भी आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। N में से N ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, N में से N ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके 1, इसके साथ सहमत है सारे। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, अगर यहां पर मैंने NCN का फॉर्मूला लगाया, तो NCN का फॉर्मूला कितना होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, R की जगह मैंने N रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहां पर नीचे N लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, N फैक्टोरियल कैंसिल होते हुए दिख रहा है, और आपका आंसर आ रहा है 1/0 फैक्टोरियल। Yes, जिसको भी डाउट है 0 फैक्टोरियल 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या यहां से आप देख पा रहे हो, क्योंकि आपको NCN का आंसर ऑलरेडी विजुअलाइज हो गया। NCN, N यहां पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, N को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हो, एक तरीके से कर सकते हो ना। अब यहां पर फॉर्मूले से उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए कि ना आना चाहिए, और उसका आंसर कब 1 कब आ सकता है, जब आप यहां पर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 डिफाइन करोगे तब आ सकता है। अगर आप 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 डिफाइन करोगे तभी आ सकता है, इसलिए हमने कल की क्लास में 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन कर दिया था। आई बात समझ में, यस, क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको कभी यह पूछना नहीं पड़ेगा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन में एक केस है हमारे पास, ठीक है। तो एक कैसे आएगा, वो एक तभी आएगा जब मैं 0 फैक्टोरियल को 1 डालूंगा, तभी आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर क्या क्या है बच्चों, NC0 का वैल्यू 1 है, NCN का वैल्यू 1 है, NC0 का वैल्यू 1 है, NCN का वैल्यू 1 है, लेकिन NC1 का वैल्यू एक एक अगर उठाने अलाउड है, तो आप N कितने अलग अलग तरीके से उठा सकते हो, तो N अलग अलग तरीके से उठा सकते हो, इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, N आ रहा है। फॉर्मूला लगा के भी N आएगा, फॉर्मूला लगा के भी N आएगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है यहां पर, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये रिजल्ट इक्वल आएगा, फॉर्मूले में डाल के देख लो, ठीक है। NCR का फॉर्मूला कितना है, NCR का फॉर्मूला होता है NCR का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला लिखना है ना, पूरा ओपन करके लिख देते हैं, यहां पे होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल। अगर NCN माइनस R लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां R लिखा है उसके प्लेस में N माइनस R रिप्लेस करना है, जहां जहां R लिखा है उसके प्लेस में N माइनस R रिप्लेस करना है, तो कितना हो जाएगा, N माइनस R का फैक्टोरियल, R की जगह N माइनस R का फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या हो गया, ये वाला पोर्शन बन गया N माइनस R, और यहां पर N कैंसिल हो गए, और ये पहले वाला पोर्शन बन गया R फैक्टोरियल, दोनों का वैल्यू सेम आ गया ना, NCR का वैल्यू और NCN माइनस R का वैल्यू सेम आ गया। ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर -1 फैक्टोरियल कितना हो रहा है, अरे गौरव ये मना किया था ना आपको करने से, -1 फैक्टोरियल, हाफ फैक्टोरियल, ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर अब हम क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो ये प्रॉपर्टी यूज करके आप दिमाग में सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजें, जैसे कि है ना, पहले कैलकुलेशन समझ लो बच्चों, उसके बाद फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो आंसर जल्दी निकल के आएंगे, अदरवाइज आपको आंसर निकालने में पीछे रह जाओगे, है ना। तो जो बाकी बच्चे जानते हैं वो तो हमें पता होना ही चाहिए, इसलिए हम ये चीजें पहले कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलेगा कि यहां पर कैलकुलेट करके बताओ NC6, या कैलकुलेट करके बताओ और बेटर NC7, है ना, तो NC7 ये तो हमें दिमाग में आ ही नहीं रहा कि इसको करें कैसे जल्दी से यहां पर, क्योंकि मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी पीछे वाले पेज पे, ठीक है, वो क्या थी कि अगर आपके पास 6C2 है तो क्या करो, 6 और 5 दो फैक्टर्स लिख लिए, नीचे 2 फैक्टर लिखो। अब मैंने अगर ये सेम ट्रिक यहां पर लगाई तो क्या करना पड़ेगा, NC7 लिखने में मुझे 7 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और बोलते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, NCR is equal to NCN minus R, तो कोई अगर मुझे निकालने के लिए बोल रहा है NC7, 9C7, तो मैं उसको बोलता हूं this is same as 9C2, और 9C2 कैलकुलेट करना बहुत आसान है, 9 × 8/2, 36 आंसर आएगा, yes, प्रियांशु बहुत बढ़िया, पीयूष वेरी गुड, ठीक है, पद्मिनी yes, 36 आ रहा है, श्रीनिधि का भी 36 आ रहा है, यस, आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पर आपके पास इसका आंसर 36 बड़ी जल्दी निकल के आ गया, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। तो बच्चों इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको ये चीजें डायरेक्टली अगर याद होंगी आपके आंसर जल्दी निकल के आएंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, और फिर ओहो आज लेकिन हमारा टाइम अप हो गया है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करो, यहाँ जो एक दो क्वेश्चन हैं इनको आप करो एज ए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लेकिन कॉम्बिनेशन का क्योंकि कंसेप्ट जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो आपसे अगर नहीं भी बन रहे हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कल के लेक्चर में मिलते हैं और कॉम्बिनेशन वाले फंडे क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन तब भी जो बच्चे करना चाह रहे हैं वो इन दो क्वेश्चन को ले सकते हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्नैपशॉट और मे बी यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लेटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन टीम ऑफ फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ सिक्स बॉयज एंड फाइव गर्ल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये करते करना सीखेंगे हम। वैसे ही नेक्स्ट क्या सीखेंगे उसके अंदर एक्स्ट्रा रेड में देखो क्या लिखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा रेड में कुछ लिख दिया मैंने, इफ ए पर्टिकुलर बॉय एंड ए पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टूगेदर, अगर उन दोनों को साथ में हम एक ही टीम में नहीं ले सकते तो फिर क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे कंडीशंस आना स्टार्ट होंगे ना बच्चों, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको फिर वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी तक तो कहानी चल रही थी सिंपल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे कल का लेक्चर, अगर आपको ये आंसर्स निकालते आ जाएंगे तो मुझे डिस्क्रिप्शन में सॉरी इसके अंदर जो कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर आंसर बता सकते हो मुझे, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी लाइक कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो डेफिनेटली आपने लाइक करना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि यहां पर मैंने लेक्चर अच्छा डिलीवर किया है। और क्या करना है आपको, अगर रेगुलरली जेई की क्लासेस अटेंड करनी है बच्चों, जो क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, अगर आपको वो डेली फॉलो करना है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अवर चैनल अनअकैडमी जेई, ताकि आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। यस इज सिंगे इज अ गुड बुक, यस बिल्कुल रक्षित, बढ़िया बुक है वो, कर सकते हो। ऑल राइट, चलो तो यहां पर मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब स्टार्ट करेंगे, अभिक्षित, ऑल राइट, आई थिंक आई मिस्ड योर नेम, सॉरी, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों जस्ट इसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम कंसेप्ट खत्म करेंगे वैसे ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो आई थिंक लेट अस एंड अवर क्लास हियर, यहां पर जो नोट्स मिलेंगे वो डाउनलोड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके रिविजन के लिए, ठीक है। और इसको शेयर जरूर करो ताकि और बच्चों को पता चले कि हम यहां पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर जेलसी फील करने की बात नहीं है कि हमने पढ़ लिया उसने भी पढ़ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, डेफिनेटली वी आर ऑन अ मिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो ओनली यू पीपल कैन हेल्प अस इन डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर आउटपुट, ठीक है। तो शेयर जरूर करो इसको और लोगों को बताओ कि यहां पर हम इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो शेयर्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उसी से हमें यहां पर ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कीप डूइंग दैट, है ना। एंड दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।